तो सर ये बताइए, आप रंगोली रंगोली बनाने वाली हैं बहुत सुंदर सी, तो ये बताइए आखिर मतलब हो क्या रहा है जो इतने इतनी रंगोली। रही है और बैसाखी की तैयारियों में ये रंग बहुत सारी चीजें हो रही है घर में। हाँ तो सर हेल्प करने वाले हैं? डेफिनेटली व्हाई नॉट। बैसाखी सभी का त्यौहार होता है और जो आपसी मतभेद होते हैं वो त्यौहार के वक्त थोड़ा पीछे रख देने चाहिए, तो आई एम श्योर इट इज ऑल्सो गुड हेल्प। तो कितना कितनी रंगोली बनाना चाहते हैं सर बिल्कुल नहीं, रंगोली? बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आती है आर्ट एंड क्राफ्ट की पेंटिंग वगैरह के मामले में, बट आई एम श्योर द कैरेक्टर कैन डू स्टफ व्हिच आई कांट। सो रंगोली है जो सुंदर है, बोलिए आई गेस बाद में सर रोशनी बना क्या? हाँ शायद यही है वो इमली। ये रंगोली जो इतने सारे रंग यूज किए गए हैं, तो इतने रंग बिरंगी सिड और रोशनी की भी लाइफ इतनी ही रंग बिरंगी है। कभी रंग कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, कभी कुछ ऐसे रंग होते हैं जो आपके जीवन को जो है बहुत सारी वाइब्रेंसी और खुशियों से भर देते हैं, तो इन सब रंगों का सम्मेलन जो है सिद्धार्थ और रोशनी का रिश्ता है, इट्स समथिंग लाइक दैट। सो या बेसिकली जैसे हम इस घर में जब भी देखते हैं कुछ ना कुछ कलेश हो ही रहा होता होता है। हाँ, तो कुछ ड्रामा तो साइड बाई साइड चलता ही चल ही रहता है, तो यहाँ आज इस रंगोली के साथ में क्या ड्रामा चल रहा है? अभी जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि रोशनी ने अभी राजवीर को थप्पड़ मारा है और जब वो थप्पड़ मारने के लिए तो मैं उनका, तो ड्रामा उस लेवल पे चल रहा है, प्लस का जो सही इंटेंशन है और जो गुलाल खोल करके सबसे सामने आने रहा है उनकी जो पर्टिकुलरली, सो वो बहुत इट्स वेरी क्रिटिकल पॉइंट आई थिंक इन स्टोरी। खुद ही वो चाहते थे कि उनके सच्चाई सबके सामने आए। जी नहीं बिल्कुल नहीं, वो अपनी सच्चाई छुपाना ही चाहते थे सबसे, वो नहीं चाहते थे कि सबके सामने आए, सच्चाई सामने लाना चाहता था, चाहता था, लेकिन राजवीर नहीं चाहता था कि सामने, वही मैं बोल रही हूँ, हमेशा से चाहते थे कि राजवीर का सब सबके सामने आए, तो आज रोशनी का थप्पड़ मार रही है तो समझे नहीं, रोशनी का हाथ नहीं राजवीर का हाथ रोका जब राजवीर थप्पड़ मारने के लिए। सर तो सेड कितनी हेल्प करने वाले हैं रोशनी की कि राजवीर का सच वो सबके सामने ले आ? जी अब वो सच वक्त आ ही गया है, मेरे ख्याल दाने का उसका देखते हैं। थैंक यू सो सॉरी। तो सेड ये बताइए, आप रंगोली रंगोली बनाने वाली हैं बहुत सुंदर सी, तो ये बताइए आखिर मतलब वो क्या रहा है जो इतने करीब और बैसाखी की तैयारियों में ये रंग बहुत सारी चीजें हो रही है घर में, तो सर हेल्प करने वाले हैं? हाँ डेफिनेटली व्हाई नॉट। बैसाखी सभी का त्यौहार होता है और जो आपसी मतभेद होते हैं वो त्यौहार के वक्त थोड़ा पीछे रख देने चाहिए, तो आई एम श्योर इट इज ऑल्सो गुड हेल्प। तो कितना कितनी रंगोली बनाना चाहते हैं सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आती है आर्ट एंड क्राफ्ट की पेंटिंग वगैरह के मामले में, बट आई एम श्योर द कैरेक्टर कैन डू स्टफ व्हिच आई कांट। सो रंगोली है जो सुंदर है, बोलिए आगे बाद में सर रोशनी बना क्या? हाँ शायद यही है वो इमली। ये रंगोली जो इतने सारे रंग यूज किए गए हैं, तो इतने रंग बिरंगी सिड और रोशनी की भी लाइफ इतनी ही रंग बिरंगी है। कभी रंग कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको पसंद नहीं आते, कभी कुछ ऐसे रंग होते हैं जो आपके जीवन को जो है बहुत सारी वाइब्रेंसी और खुशियों से भर देते हैं, तो इन सब रंगों का सम्मेलन जो है सिद्धार्थ और रोशनी का रिश्ता है, इट्स समथिंग लाइक दैट। सो या बेसिकली जैसे हम इस घर में जब भी देखते हैं कुछ ना कुछ कलेश हो ही रहा होता है, हाँ, तो कुछ ड्रामा तो साइड बाई साइड चलता ही चल ही रहता है, तो यहाँ आज इस रंगोली के साथ में क्या ड्रामा? अभी जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि रोशनी ने अभी राजवीर को थप्पड़ मारा है और जब वो थप्पड़ मारने के लिए तो मैं उनका, तो ड्रामा उस लेवल पे चल रहा है, प्लस का जो सही इंटेंशन है और जो गुलाल खोल करके सबसे सामने आने रहा है उनकी जो पर्टिकुलरली, सो वो बहुत इट्स वेरी क्रिटिकल पॉइंट आई थिंक इन स्टोरी। तो सिर्फ खुद ही वो चाहते थे कि उनके सच्चाई सबके सामने। जी नहीं बिल्कुल नहीं, वो अपनी सच्चाई छुपाना ही चाहते थे सबसे, वो नहीं चाहते थे कि सबके सामने आए, सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था, चाहता था, लेकिन राजवीर नहीं चाहता था कि सामने, वही मैं बोल रही हूँ, हमेशा से चाहते थे कि राजवीर का सब सबके सामने आए, तो आज रोशनी का थप्पड़ मार रही है तो समझे नहीं, रोशनी का हाथ नहीं राजवीर का हाथ रोका जब राजवीर थप्पड़ मारने के लिए। सर तो सेड कितनी हेल्प करने वाले हैं रोशनी की कि राजवीर का सच वो सबके सामने ले आ? जी अब वो सच वक्त आ ही गया है, मेरे ख्याल दाने का उसका देखते हैं। थैंक यू सो सॉरी। बेल करा, सम्मान अपने ही पाएगा।